अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में युवती के नाम से अश्लील मैसेज लिखकर पोस्टर चिपकाने का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों की ओर से पोस्टर पीड़िता के घर के बाहर और कॉलोनी में चिपका दिए गए। मामले में पीड़िता की ओर से क्लॉक टावर थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना पुलिस के अनुसार 23 साल की पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता ने शिकायत देकर बताया कि जब वह सुबह 8 बजे अपने घर से बाहर निकली तो उसके घर के बाहर एक पोस्टर चिपका हुआ था, उसमें अश्लील कंटेंट लिखा हुआ था। इसके बारे में उसने अपने भाई और पिता को जानकारी दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि परिवार के लोगों के द्वारा क्षेत्र में जाकर इसकी जानकारी ली गई तो पोस्टर पूरी कॉलोनी में लगे हुए थे। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके और उनके कॉलोनी वासियों के सोने के बाद ये चिपकाए गए हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में कल किसी पीड़िता ने एक प्रकरण दर्ज कराया कि उसके घर के सामने और मोहल्ले में 2-3 अश्लील बातें लिखकर उसके संबंध में पोस्टर चिपकाया है, जिसमें अश्लीलता लिखी हुई थी, जिससे मेरी लज्जा भंग हुई है, जिसके संबंध में और अपने पति पर शक जाहिर किया। उनकी पिछले 5-6 महीने से अनबन चल रही है, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन करवाया जा रहा, प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा। पीड़िता का नाम लिखा हुआ था, पीड़िता का नाम लिखा हुआ था और लिखित में अश्लीलता टाइप की भाषा का उपयोग किया गया था।